हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेरे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए पांचवा यूनिट का सेकंड टॉपिक। यह टॉपिक ये है दोस्तों, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको LIMS से डिनोट किया जाता है। यह क्या होता है देखते हैं दोस्तों। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिफर्स टू सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट्स ऑल मॉडर्न लेबोरेटरी ऑपरेशन। मतलब ये है दोस्तों कि यह जो है LIMS जो है उस डेटाबेस या सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम की ओर संकेत करता है, जो क्या करता है लेबोरेटरी ऑपरेशन, मॉडर्न लेबोरेटरी ऑपरेशन को सपोर्ट करता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, LIMS फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। मतलब ये क्या होता है दोस्तों कि जो भी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है हमारे जो मेडिकल में, उसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों LIMS का। LIMS वर डिजाइन टू ऑटोमेट मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइक सैंपल ट्रैकिंग। मतलब ये कहते हैं दोस्तों कि LIMS जो है वो डिजाइन करता है ऑटोमेटिकली कौन कौन से मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मेजर पार्ट, मुख्य पार्ट को क्या करता है, डिजाइन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है सैंपल सैंपल ट्रैकिंग एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्क एनालिसिस या वर्क असाइनमेंट एंड रिजल्ट रिजल्ट कैप्चरिंग, डेटा प्रेजेंटिंग एंड डेटा रिव्यू, एंड देखते हैं रिपोर्ट जनरेशन, डेटा शेयरिंग, ये सब को क्या करता है, यह जो है ऑटोमेटिकली डिजाइन करता है। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है। LIMS का एप्लीकेशन होता है, फर्स्ट जो होता है वो सैंपल मैनेजमेंट होता है, सेकेंड जो होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन होता है, थर्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज होता है, नेक्स्ट फिफ्थ फोर्थ जो होता है रिपोर्ट जनरेशन होता है, रिपोर्ट करनाता है दोस्तों, नेक्स्ट फिफ्थ जो होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है, लास्ट में वो क्या करता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट LIMS का बेनिफिट ये है दोस्तों कि वो फास्ट रिपोर्ट देता है, एंड दूसरा जो है रिडक्शन इन पेपर वर्क, पेपर वर्क को क्या करता है वो रिड्यूस करता है, कम करता है। इम्प्रूव्ड इफिशियंसी क्या करता है, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी मतलब जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, आगे इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट रिड्यूस्ड ईरर मतलब जो भी त्रुटि आती है उसको कम करता है। नेक्स्ट अवॉइड डुप्लीकेसी और क्या करता है, जो बार बार डुप्लीकेट हो जाता है, सेम सेम दिखते हैं उसको क्या करता है, अवॉइड करता है। तो ये इसके बेनिफिट है दोस्तों। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में। थर्ड टॉपिक हमारा है टेस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम TIMS, टेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिफर्स टू कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर सोर्स दैट कैन बी शेयर्ड विथ डिफरेंट यूजर्स एट द राइट टाइम। यह क्या करता है दोस्तों, यदि एक से अधिक यूजर एक ही टाइम में यदि क्या करता है किसी भी इंफॉर्मेशन, टेस्ट इंफॉर्मेशन को कहीं भेजता है या शेयर करता है, तो टेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, उसको मैनेज करता है। जैसे हम मोबाइल में किसी को टेस्ट मैसेज करें तो एक साथ हम लोग चार लोग पांच लोग को सेंड कर सकते हैं कोई भी मतलब मैसेजेस को, तो उसको क्या करता है ये टेस्ट में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ही उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है और मैनेज करके रखता है, ठीक है। एंड देन एंड राइट प्लेस है, मतलब यहाँ पे राइट प्लेस में, राइट टाइम एंड राइट प्लेस,
में सही तरीके से वो जाए, इसका वो क्या करता है, ख्याल रखता है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड लेटर आर कैन बी यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब यदि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं एंड स्टोर इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, उसके बाद लेटर ऑन एन, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन एनी फॉर्मेट लाइक इमेजेस। मतलब इंफॉर्मेशन को हम कोई भी एनी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियो, वीडियो सीक्वेंसेस, ऑडियो मैसेजेस एंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आदि। ठीक है, तो इस तरीके से इसका काम होता है। नेक्स्ट, इसकी बेनिफिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो बेनिफिट के बारे में ये होता है कि सेव्स टाइम एंड एनर्जी, सेव्स टाइम एंड एनर्जी। टाइम को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं दोस्तों, टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के अभी एक बार अपलोड कर देंगे तो उसको आप बार बार देख सकते हैं, कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़े। तो ये हमारा क्या होगा, बार बार ना पढ़ा के एक बार पढ़ा दिया जाए और उसी वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं, तो हमारा टाइम बच गया दोस्तों और साथ में एनर्जी भी बच गया, क्योंकि बार बार हम पढ़ाएंगे तो हमारा एनर्जी भी जाएगा। तो ऐसी हमारा ये जो है, ये टेक्स्ट मैसेजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, वीडियो के माध्यम से यहाँ पे क्या कर रहा है, वीडियो सिक्वेंसेस के माध्यम से ये स्टोर करके रख रहा है, तो ये इसका बेनिफिट है। सेकेंड बात करते हैं हम फास्ट मैथड ऑफ रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन के लिए क्या है, फास्टर मेथड है मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को क्या करता है, इंश्योर करता है कि कितना हमारा एक्यूरेसी है, कितना हमारी क्षमता है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ जो बेनिफिट है वो है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो होता है इसमें स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे हम लोग जैसे पब्लिक करते हैं, जो हमारे वीडियो है उसको पब्लिक कर सकते हैं, अनलिस्टेड कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। मतलब ये सिक्योर होता है, जो भी हम चाहें वो हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है हमारा टेस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा पांचवा यूनिट कंप्लीट होता है दोस्तों। तो ये तीन टॉपिक जो मैं क्रोमेटोग्राफिक CDS बनाया था उसको अच्छे से करना है, और टेस्ट TIMS को अच्छे से करना है, और LIMS को अच्छे से करना है। ये पांचों यूनिट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट का वीडियो बना के सेंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।